नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के शेयर के बारे में। दोस्तों काफी बेहतरीन शेयर है और काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आया शेयर में। रिटेल इन्वेस्टर का काफी पसंदीदा शेयर है, रिटेल इन्वेस्टर काफी ज्यादा इन शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ऑन फ्राइडे पोस्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹129 करोड़ का प्रॉफिट पेश किया है यस बैंक ने। साथ साथ एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ है कि जो कंपनी का एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एनपीए भी नेट एनपीए इतना परसेंट हो चुका है जो कि पिछले साल था 4.96%। प्रोविजंस में डिक्लाइन हुआ 11% से। प्रोविजंस मतलब जो एनपीए बन सकता है और जो एनपीए है उसमें भी गिरावट, प्रोविजंस में भी गिरावट और प्रॉफिट में भी जंप। तो ये तीन पॉजिटिव चीज़ें हैं, प्रॉफिट में जंप हुआ है और साथ साथ एनपीए में गिरावट आया है और जो प्रोविजंस है उसमें भी 11% का गिरावट आया है। तो दोस्तों ये सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ है इस बैंक के शेयर में, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी खुशी हुआ होगा। रिटेल इन्वेस्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे इस न्यूज़ के कारण। लेकिन दोस्तों मेरी सलाह होगी, आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करें। जैसे 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था जब ये 12 रुपीज़ के आसपास था और जब ये 15 रुपीज़ पे गया हमने इसको सेल भी कर दिया, क्योंकि ये स्टॉक आपको कोई बड़ा रिटर्न नहीं दे सकता है। आप वहीं पर जो है अगर चाहते तो 12 रुपीज़ पर 1000 शेयर बाय करते और 15 रुपीज़ पे गया वहाँ पर बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बात ख़त्म कीजिए। क्योंकि इस स्टॉक से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपका ये 12 रुपये का स्टॉक 300 रुपीज़ 200 रुपीज़ का फिर से चला जाएगा। ऐसा होता तो हर कोई यहाँ पर स्टॉक मार्केट में करोड़पति होता, हर कोई ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता। दोस्तों जो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, जो काफ़ी बेहतरीन है, उसी में आप इन्वेस्ट करना पसंद करें, वही आपको अच्छे रिटर्न देंगे, जो कि हम आपको बताते रहते अपने चैनल पर। तो देख लीजिए यहाँ पर ये स्टॉक का जो चार्ट है, चार्ट पर देखिए कुछ खास इसमें नहीं दिखेगा। इस चार्ट में देख सकते हैं कि अभी तक ये स्टॉक देखते हैं लगातार डाउन ट्रेंड में। यहाँ से थोड़ा सा ये देख सकते हैं ग्रीन कैंडल ये बनाया है, डेली चार्ट है, आज ये ग्रीन कैंडल बनाया है क्योंकि ये जो न्यूज आया इसके कारण इसमें अपर सर्किट लगा। यहाँ पर फिर देख सकते हैं यहाँ पर एक बार ये न्यूज में था तो यहाँ पर लगातार अपर सर्किट के साथ ये 17 रुपीज तक गया था और 17 रुपीज से फिर से वापस देख सकते हैं 12 रुपीज 55 पैसा तक आ चुका था। तो फिर से इसी प्राइस रेंज में ये 20 रुपीज से 12 रुपीज के बीच आपको मिलेगा। तो दोस्तों इससे ज़्यादा उम्मीद ना करें कभी भी, क्योंकि जैसे जैसे आपको देखना है एक साल तक अगर लगातार अगर सुधार आता है इस स्टॉक में और 20 रुपीज़ से एभव ये जाता है तब जाकर इसमें हम बाय करेंगे। क्योंकि यहाँ देखते हैं एक गैप, यहाँ गैप है, ये गैप इसका रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, इसको जब क्रॉस करता है तो हम इसे बाय करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब जब इसका एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा तब बाय करेंगे और वहाँ से हम रिटर्न प्राप्त करेंगे। अच्छा अभी सस्ते में मिल रहा है तो सस्ते में अपना रुपया को फंसाना और फिर ये अगर इससे भी नीचे आ गया तो फिर हमारा रुपया बर्बाद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आप सस्ते को ना देखें, क्वालिटी को देखें। जो क्वालिटी शेयर है सस्ता भी मिल रहा हो तो आप बाय करें, निश्चित रूप से बाय करें, लेकिन आपको क्वालिटी पे हमेशा ध्यान देना है। निश्चित रूप से है कि ये बैंक का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है, लेकिन हम एक दो क्वार्टर और वेट करेंगे, एक साल तक वेट करेंगे। अगर लगातार इम्प्रूव होता रहा तब फिर हम इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है डिसीजन लेने में, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय।